ओके, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ का ओवरव्यू देने वाला हूँ कि यूनिवर्सिटी कैसा है, यूनिवर्सिटी का फैकल्टी कैसा है, यूनिवर्सिटी का कैंपस कैसा है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि यूनिवर्सिटी का लोकेशन कैसा है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को स्किप करने का गलती मत करना, क्योंकि जैसा कि दोस्तों मैं यूनिवर्सिटी का एक्स स्टूडेंट भी रह चुका हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यूनिवर्सिटी कैसा है। अभी तक मैंने जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखा उनमें से सबसे बेस्ट मुझे लगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ। अब कुछ लोग इस यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन जेएनयू से करने लग जाएंगे, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से करने लग जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करने लग जाएंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करने लग जाएंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करने लग जाएंगे। तो मैं उन लोगों से सीधा कहना चाहता हूँ, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, अभी जितना भी मैंने 5 यूनिवर्सिटी का नाम बताया, तो उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले एक बार आप अपने सीयूटी के मार्क्स के ऊपर जरूर ध्यान दे देना। अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो नो डाउट आप इन 5 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, और अगर आपका मार्क्स देखने लायक नहीं है तो समझ लो कि आपके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एक 30 साल पुराना यूनिवर्सिटी है और आप इसका कंपेरिजन एक 150 साल पुराना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कीजिएगा, एक 100 साल पुराना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कीजिएगा, एक 80 साल पुराना जेएनयू से कीजिएगा, तो ये कहाँ तक जायज है ये आप खुद सोच करके देखो। आप एक 30 साल पुराना यूनिवर्सिटी का कंपेरिजन 31 साल वाले पुराने यूनिवर्सिटी के साथ कंपेरिजन करोगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन सभी यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, नहीं, अगर आपका मार्क्स अच्छा है, आपका मार्क्स देख करके हंसने लायक नहीं है, तो आप इन 5 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पहुंचिए और हायर एजुकेशन को गेन कीजिए। अभी मैं आप लोगों को अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को बेस्ट बताया हूँ तो इसका मैं एग्जाम्पल भी दूंगा। पॉइंट नंबर 1, आप देखोगे कि यूनिवर्सिटी का टोटल स्ट्रेंथ 4000 के आसपास में है, तो वही आप सोच लो कि यूनिवर्सिटी में कितने कम बच्चे हैं, और वही आप लोग अनुमान लगा लो कि आपकी क्लासेस में कितने बच्चे रहने वाले हैं। आप लोग इस लिस्ट को देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने कम हैं, मतलब कि आपके हर डिपार्टमेंट में लगभग 50-60-70 यही नंबर के आसपास में स्टूडेंट होने वाले हैं। और दोस्तों क्लासेज में जितने कम नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे स्टडी उतनी ही अच्छी होती है। आप अपने टीचर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने स्कॉलर्स के साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, जिस कारण आपका एक बहुत ही अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस होने वाला है। और यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर के प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने कोर्स के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट चेक कर सकते हो कि कितने स्टूडेंट आपके कोर्स में होने वाले हैं। और दोस्तों हॉस्टल फैकल्टी और मेस फैकल्टी के ऊपर मैं किसी सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। और दोस्तों यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ही अच्छा है, अगर आप नेचर लवर हो तो आपको कैंपस से प्यार हो जाएगा। और दोस्तों यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल फैकल्टी है भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, ये किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं है। इवन मेस को लेकर के आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मेस में आपको नॉनवेज वगैरह नहीं मिलता। और दोस्तों मेस और हॉस्टल के बारे में किसी सेपरेट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और दोस्तों यही नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, गौतम बुद्धा सेंट्रल लाइब्रेरी, आप उसका ब्लॉग भी मेरा देख सकते हैं। सिंपली मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाओ और वहां से जाकर के अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे वीडियोस को देख सकते हो। सेंट्रल लाइब्रेरी 24x7 आवर खुली रहती है, हाँ लड़कियों के लिए रात में बंद रहती है। और दोस्तों इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा जिम भी है, आप मेरा जिम वाला भी ब्लॉग देख सकते हो। मतलब कि दोस्तों यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट भले ही कम है लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है। वहीं दोस्तों अगर आप NIRF रैंकिंग की बात करते हो तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी 2021 में 78 नंबर पे था और 2024 में घट करके 69 नंबर पे आ गया। और दोस्तों सेम वहीं पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2021 में 88 नंबर पे था और 2024 में ये 100 पार हो गया। तो अब बताओ कौन सा यूनिवर्सिटी कितना बेस्ट है। अब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को क्या खराब बनाती है इसके ऊपर अब डिटेल में बात करते हैं। और ये है दोस्तों अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का लोकेशन इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत पहुँचाती है, क्योंकि दोस्तों जिस लोकेशन पे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है उसके आसपास में कोई भी स्टडी का माहौल नहीं है। इवन स्टूडेंट के रहने के लिए आपको रूम भी नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो मिल जाएगी लेकिन आपको दोस्तों लॉज वगैरह नहीं मिलेगा। और अगर आपको रूम मिलता भी है तो यूनिवर्सिटी से 3-4 किलोमीटर दूर ही मिलेगा, नजदीक में भी आपको रूम मिलेंगे लेकिन दोस्तों आपको लॉज टाइप से रूम नहीं मिलेंगे, किसी के घर में आपको रहना होगा। मतलब कि आप सीधा ये समझो कि जहाँ पे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है वह थोड़ा सा रईसों का इलाका है, वहाँ पे रईस लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। शायद यही मेन कारण है कि वहाँ के लोकल लोग लॉज वगैरह बना करके नहीं रखे। BBAU का यही मेन प्रॉब्लम है कि इसका लोकेशन इसको मार देता है। एग्जांपल से समझ लो, अगर आपको बुक्स वगैरह भी लेनी है, कोई PDF वगैरह प्रिंट भी करवाना है
तो आपको यूनिवर्सिटी से 10 से 15 किलोमीटर दूर जाना होगा। और अगर आपको यूनिवर्सिटी के आसपास में मिलेंगे तो एक दो जनरल बुक स्टोर मिलेंगे जहाँ पे आपका पेन पेंसिल वगैरह यही सब मिलेगा, आपकी हायर एजुकेशन के लिए स्टडी मटेरियल्स वगैरह नहीं मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपको हॉस्टल मिल गया तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी का ओवरऑल अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस उठा करके देखते हो तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, लेकिन जो इसको मार देती है वह इसका लोकेशन इसको पूरी तरह से मार देती है, और यही मेन कारण है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से अलग बनाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आसपास आपको रूम मिल जाएंगे, लॉज मिल जाएंगे, बुक शॉप मिल जाएंगे, इवन आपको बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी मिल जाएंगे। और यही मेन कारण है कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अलग बनाती है। और यही मेन कारण था कि मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को छोड़कर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आपको लोकेशन को लेकर के थोड़ा सा इशू रहेगा, लेकिन दोस्तों एकेडमी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आपकी कैंपस बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी फैकल्टी है, फिर चाहे वह मेस की हो, हॉस्टल की हो, या फिर आपकी हेल्थ का फैकल्टी हो, या फिर आपके क्लासेस के अंदर जितने भी फैकल्टी हो, वह सभी बेस्ट है। और अगर दोस्तों आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप एक बार एडमिशन लेने से पहले आप यूनिवर्सिटी जाकर के घूम सकते हो। खैर, यूनिवर्सिटी मुझे एक रुपए पैसे नहीं दी कि मैं यूनिवर्सिटी का तारीफ करूं। मेरे को जो अच्छा लगा मैंने आपको वो सभी चीज को बता दिया। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि एक दो तीन के अंदर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूं। और दोस्तों अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का ब्लॉग देख सकते हो। आप यहाँ क्लिक करके डायरेक्ट मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।